है ब्याज, मैंने भाई देश के लिए मैंने ये लिया, मैंने प्रधानमंत्री को दिया, क्या प्रधानमंत्री जान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम अनूप कुमार दीक्षित। हमारी सीएसएफ फोर्स में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, कैसे अगर कोई जवान भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है, कोई आवाज़ उठाता है या कोई शिकायत करता है, या कोई पढ़ा लिखा जवान, ज़्यादा पढ़ा लिखा जवान है, तो उसको ऐसी हीन भावना से देखेंगे कि ये किसी का भला ना कर दे। यदि कोई जवान किसी का भला करता है तो उसके पीछे पूरी हमारे सीएसएफ की आईएनटी डिपार्टमेंट बना रखा है, एक खुफिया विभाग, जिसको वो उसके अधिकारियों को लगा देंगे उस जवान के पीछे। उस जवान को हटाने के लिए वो क्या करेंगे, ड्यूटी अगर कहीं किसी ड्यूटी पे गया तो उस ड्यूटी पोस्ट पर चोरी करवा देंगे, चोरी करवाएंगे, उसको फिर आरोप लगाएंगे कि तुम्हारी पोस्ट पर चोरी हो गई। अगर वो चोरी में करना निर्दोष पाया जाता है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर दूसरे हथकंडे अपनाएंगे, फिर दूसरे हथकंडों अगर वो ड्यूटी सही करता है तो वो कहीं नहीं फंसा पा रहे, तो फिर क्या करेंगे, फिर टीम बनाएंगे, दो तीन आदमी की टीम बनाएंगे और लेके आएंगे, और उसको ड्यूटी में देखा बुलाया, अकेले बुला लेंगे रूम में, बोला आप कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, कपड़े उतार के बोलेंगे तुरंत, बोला क्या ये क्या तुम्हारे इसमें क्या निकला, बोलेगा हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, बोला आपकी जेब में पैसा निकला है। ऐसे से पहला तरीके के संगीन आरोप लगा के ना, झूठे आरोप लगा के मेरे साथ में खुद झूठा एक्सेस मनी का आरोप लगा के मुझे जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया, जबकि मैंने बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैंने बोला भैया मेरा फोन लो अभी कभी, मेरी फैमिली से पूछो, कोई पूछा बोले इंक्वायरी पता करेंगे। इंक्वायरी में इन्होंने खूब कोशिश की फर्जी का नाम गवाह इकट्ठे करने के लिए, फर्जी गवाह इकट्ठे करने के लिए कोई विटनेस दे दे कि इसने फलाने व्यक्ति से रिश्वत ली, लेकिन जब कोई व्यक्ति नहीं मिला तो ऐसा का नाम उसको घुमा फिरा के बोल दिया कि ये पैसा जो उसकी फैमिली ने ही रखा होगा। क्या कोई कभी ऐसा बयान दे सकता है क्या कि फैमिली ने पैसा रखा होगा? ऐसा होने के बाद में फिर जो है उसको आपने प्रत्यक्ष सब कुछ जवाब देने के बाद में जवाब दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपील कर दिया, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए कोई भी जवाब जो है संतोषजनक नहीं है। यदि अगर हनुमान भी कदम चले आते, सीना फाड़ के दिखाते, तो भी हमारे सीएसएफ के अधिकारियों के लिए जवाब संतोषजनक नहीं है। चाहे वो जवान कितना भी प्रत्यक्ष दे दे, उसके दिए हुए ही सबूत अगर वो मांगना चाहे तो वो जवाब उसके कदम दिए हुए सबूतों को भी वापस नहीं करते, बोलेंगे कि भाई ये फलाना का नाम आरटीआई के तहत जो है ये सेक्शन में जो है ये आपको जो है गोपनीय दस्तावेज भ्रष्टाचार, उनके जो मैंने दस्तावेज दिए तो उन दस्तावेजों अगर मैं अपने बचाव के लिए मांग रहा हूँ तो भ्रष्टाचार के अंतर्गत तो नहीं आते, मेरे द्वारा खुद दिए गए दस्तावेज हैं। अगर मैंने दस्तावेज दिए गए हैं अगर वो भ्रष्टाचार के अंदर हैं तो भ्रष्टाचार जो अधिकारी कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार को कौन खोलेगा? ना कोई सीबीआई जाँच होती कभी, ना कोई एसीबी की जाँच होती है, ना कोई सीबीसी की जाँच होती है, ना कोई गवर्नमेंट को लोगों ना गवर्नमेंट सुनती है, सिर्फ जवान अकेला भ्रष्टाचार है, बाकी अधिकारी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जबकि जवान एक अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करता है, उस जवान को जो है अगर वो ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है तो उस जवान को कैसे भी करके, उसको ईमानदारी से ड्यूटी ना करे उसको कैसे भी करके घुमा के उसको फंसाएंगे, उसको निकाल के मक्खी की तरह जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे उस जवान को निकाल के फेंक देते हैं, जिससे कि दूसरे जवानों को कोई मोटिवेट ना कर सके, उनका कोई बचाव ना कर सके। यदि कोई जवान किसी के साथ अन्याय हुआ और उसका पक्ष लेता है, वो उसका जवाब लिख देता है और कुछ भी कर देता है, उसकी अपील बना देता है, तो उसको वो इस तरीके से हीन भावना से देखते हैं कि ये जवान ये सबसे बड़ा अपराधी है, देश का सीएसएफ का सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा अन्याय मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, मतलब जितना सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सीएसएफ के अंदर है, जवानों को इतनी तरीके से प्रताड़ित करते हैं जिसकी कोई, क्योंकि अधिकारी जो है कहीं बाहर ड्यूटी पे जाते नहीं है, वो उनको बंगले से ऑफिस में बैठ जाना, वो बस सिर्फ यही छुट्टी ना उनको नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए मतलब जवान कुछ भी कर ले वो उनको परेशान करना है, कैसे भी परेशान करें उनके दिमाग में बस यही चलता है कि इसको कैसे परेशान किया जाए। यदि कोई ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है तो उसको ईमानदारी पसंद नहीं है, उनके आदेश को नहीं मानता है। आदेश आपने कोई आदेश दिया तो लिखित आदेश को दुनिया माने, बर्बली आदेश को तो कोई मानेगा। मेरे साथ भी ऐसे फोन के फलाना ऐसा कर देना, मैं बोला मुझे तो रिटर्न आदेश चाहिए। अब जो आदमी लिखित में मांगता है तो वो क्या, वो अधिकारियों की नज़र में गिर गया। क्यों? अगर वो लिखित में मांग रहा है तो अधिकारी कल फंसेगा, क्योंकि उसके पास लिखित प्रूफ है, और बर्बली आदेश है तो वो जवान फंस जाएगा। हम सिर्फ सरकार से न्यायिक जाँच की मांग कर रहे हैं कि हम जवानों के मुझे नौकरी मत दो, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी एक स्वतंत्र जाँच कराई जाए। यदि हम दोषी पाए जाएँ तो सजा के लिए हम कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा नहीं आएंगे, मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं है मैं, क्योंकि कोर्ट में जाते कोर्ट में हमें भरोसा है, न्याय प्रक्रिया न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करती, लेकिन न्यायपालिका करे क्या, जज नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं भी जब 5-5, 6-6 साल 10-10 साल के फैसले आते हैं, तब तक कोई जवान मर जाता है तो उसके बच्चों को उसका बेनिफिट मिलता है, तो उस बेनिफिट का क्या फ़ायदा? वो तो मर के चला गया, जवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जवान दर दर की भटक रहे हैं और उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पढ़ने का जो भविष्य है वो उनका अंधकार भविष्य हो रहा है बच्चों का। यही उम्र उनकी पढ़ने की, जब उस जवान के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से वो अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा, कैसे उनको क्या करेगा? या अगर वो कोई जवान गलती करता है तो वो चुपचाप बैठ जाता है, जो गलत नहीं होता आवाज़ वही उठाता है। क्यों आवाज़ इसलिए उठाता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ऐसे जितने भी हैं इनके साथ सबके साथ अन्याय। एक हमारे साथ आर्य प्रसाद मेजर हैं जिनकी 37 साल तरह तरह के भ्रष्टाचार हैं कि अब मैं बता नहीं सकता कितने तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं। प्लांटों में चोरी ये करवाते हैं हमें, हमारे सीआईएसएफ को प्लांट पेमेंट देते हैं, गवर्नमेंट के पास मिनिस्ट्री में पैसा जाता है, हम लोगों को तनख्वाह पर काटते हैं, ये 37 दे दिया उसका पैसा काटते, 7 दिन पे कट कर दिया, एक दिन का पेमेंट कट कर दिया, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का पेमेंट कट कर दिया, इंक्रीमेंट काट दिया, उसका पैसा कहाँ जाता आजकल? आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं उसका। हम लोगों का कोई वो इसे पैसा करता है रिस्क फंड का, उसका भी एडवांस पैसा काटते 3 महीने का, जबकि वो पेमेंट के साथ कटना चाहिए, मंथली कटना, लेकिन एडवांस काटते हैं। क्यों? उससे जो है कहना कल डीजी रिटायर होता है तो उसको कहना बड़े बड़े कहना 5-5, 10-10 लाख की, 20-20 लाख की उनकी स्वागत के लिए गाड़ियाँ देते। एक जवान रिटायरमेंट होता है तो उसको कुछ नहीं, एक घड़ी पकड़ा देंगे या उसको प्रशंसा पत्र देके या ब्रीफकेस देके उसको रवाना करते हैं। जो डीजी जो है हमारे बलबूते पे कहना बैठा हुआ है, हम जवानों की जवानी न्यू है मिला सर, तो ये अनुशासनहीनता का शब्द का उपयोग करके जो उन लोगों को सस्पेंड, अनुशासन में रहने के बावजूद भी हम ये कर रहे हैं, सब अनुशासन के तहत कर रहे हैं, तो घोर कदाचित कृत्य अनुशासन घोर लापरवाही जैसे ऐसे शब्द लेके आरोप लगाते हैं जिसका कोई आपने जब कोई अनुशासनहीनता की ही नहीं है तो आप उसका क्या जवाब दोगे? आप तो अपने अनुशासन में रह के कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी रह के कहना अनुशासन में ड्यूटी कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी इनके लिए फिर भी हम कोई जवाब दे दें तो इनके लिए जवाब वो संतोषजनक नहीं है। कितने भी सबूत हों, कितना भी कुछ भी हो, कोई भी जवाब इनके लिए संतोषजनक नहीं है। इनका एक ही जवाब है, आपका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, अतः आपको सजाए मौत दी जाती है। तो छुट्टी नहीं मांगा लड़की की शादी पर आपने छुट्टी मांगा और छुट्टी नहीं दिया और छुट्टी लड़की शादी कैंसिल हो गया, तो फिर मैं VRS दिया, VRS न दे करके मैं इंक्वायरी भी लिखा, VRS न दे करके इसका लेटर दिया उन्होंने, दिल्ली हेडक्वार्टर से लेटर दिया कि इसका इंक्वायरी करो, इसका इंक्वायरी भी नहीं किया, मेरे को गलत प्रमाण पत्र बोल रहे रिमल फॉर्म सर्विस किया। गलत प्रमाण पत्र का आएगा, गलत प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको गलत, 37 साल के बाद बोलता है गलत है। आप इंक्वायरी के दौरान मैं मांगा कॉपी को, कॉपी हमको दिया जाए, कॉपी नहीं दिया और रिमल फॉर्म सर्विस कर दिया। अभी क्या नाम था? राम अयोध्या प्रसाद जी ने बताया कि मैंने 37 साल नौकरी करी देश के लिए, तन मन धन शरीर से और झंडे को सलूट करते हुए नौकरी करी, और जब उसी दौरान इनकी बिटिया की शादी होने वाली थी तो बिटिया की शादी तय हो चुकी थी, उस शादी के लिए इन्होंने छुट्टी मांगी लेकिन आला अधिकारियों ने इनको छुट्टी नहीं दी। क्या कारण रहा, क्या कारण नहीं रहा, जब इन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाई कि भाई मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी गई, तो इनको एक जाति प्रमाण पत्र का एक आरोप लगाते हुए उनको कहा कि आपका जाति प्रमाण पत्र जो है ये फर्जी है, ये फर्जी बताते हुए इनको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि 37 साल के अंदर जो फोर्स है उसकी कई बार डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है लेकिन इनके साथ कई तरीके से जो भेदभाव किया गया, आज ये रोड पर जंतर मंतर पर भीख मांग रहे हैं, जिनको देश की रक्षा करनी है, जिन्होंने देश की रक्षा भरपूर की थी, जिन्होंने अपने बीवी बच्चे नहीं देखे, रिश्तेदार नहीं देखे, उन सब के बावजूद आज ये रोड पर टोकरियां लेकर भीख मांग रहे हैं, ये कैसी भारत की विडंबना है। मेरा नाम तान सिंह है, मैं बरेली से आया हूँ, जागरूकता मिशन मेरा काम है, क्योंकि अभी मैं रिटायरमेंट मजबूरी में लिया था क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते हुए मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ा। मेरा 2025 में रिटायरमेंट था, 2025 में रिटायरमेंट ना लेके मुझे मजबूरी में पहले रिटायरमेंट लेना पड़ा। मुझे मजबूरी में इसलिए पहले रिटायरमेंट लेना पड़ा क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार देखा, भ्रष्टाचार मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बोला इस भ्रष्टाचार को छोड़ने करने से बढ़िया इस फौज को ही छोड़ दिया जाए, पैरामिलिट्री की सर्विस को ही छोड़ दिया जाए, क्यों ना अपने बच्चों के साथ में रिटायरमेंट लेके सुकून से रह जाए। मगर उसके बाद भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होता रह रहा है फौज के अंदर। आज हम यहाँ दिल्ली में मजबूरी में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जवान ना तो इनको टाइम पे छुट्टी है और ना तो इनको कोई फैसिलिटी है, ना CSD का फैसिलिटी, ना कोई भी फैसिलिटी नहीं, अगर देखा जाए तो कोई भी फैसिलिटी नहीं।
और अफसर इतना बड़ा गद्दार और मक्का टाइप का है, भ्रष्ट अफसर भरा हुआ है, इन जवानों को इतना प्रताड़ित करता है, इतना प्रताड़ित करता है, किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम, बटमैनी और जबरदस्ती उनसे ड्यूटियां कराई जाती है, चाहे सीएसएफ का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे आईटीबीपी का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो, चाहे असम पुलिस, चाहे किसी का भी हो, ऑल पुलिस फोर्सेस के ऊपर भी इतना ही, क्योंकि तानाशाही है, हर कहीं चल रही, बेल्ट टोपी का जितना भी अधिकारी है सब तानाशाह है। और मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, ये अच्छे दिन की मैं नहीं देख सकता, अच्छा दिन बिल्कुल नहीं आया है। भारत सरकार के लिए अच्छे दिन होंगे, मगर आम जवान, आम जनमानस के लिए अच्छा दिन नहीं है। एटीएमओ में ताला पड़ा हुआ है, नोटबंदी हुई, कहीं एटीएम में पैसा नहीं निकलता है। अगर 2000, 2500, 10000 रुपए ट्रांसफर करने हो तो ग्रीन कार्ड चाहिए इनको, क्योंकि हम क्या चोरी से पैसा भेज रहे हैं? हर कहीं एटीएम चल नहीं सकता है, दूर दराज के क्षेत्रों में एटीएम चल नहीं सकता। जब पैसा नहीं होगा तो मार्केट में क्या क्या होगा? आम आदमी त्राहिमान हो रहा है, जवान आज भीख मांग रहा है, कल किसान भी भीख मांगेगा, थोड़े दिन के बाद आम जनमानुष इसी तरीके से रोडों पे उतर जाएगा, कोई अच्छा दिन नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम।